राधे राधे श्रद्धे श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी हरि भक्तों ने कल भगवान के छठे अवतार दत्तात्रेय जी के विषय में जानकारी ली। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के सातवें अवतार के विषय में। सर्वप्रथम इस समय जो भक्तजन देख पा रहे हैं, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दत्तात्रेय जी के बाद में भगवान का सातवां अवतार प्यारे भक्तों यज भगवान का आता है। एक बार सभी मन सा वाचा करवाना मन वचन कर्म से यज भगवान को नमन करें। बोलिए यज भगवान की जय। यज भगवान का अवतार श्रीहरि ने लिया, नारायण ने लिया। यज भगवान व्यक्ति के जन्म से मरण तक 16 संस्कारों में यज का विधान प्रावधान है। हम यज करते हैं, आखिर यज में आहुति भी देते हैं। यज भगवान को नारायण का अवतार माना गया। थोड़ा पौराणिक तथ्य जाने, पुराणों में यज भगवान के बारे में क्या कहा गया। श्रीमद् भागवत के अनुकूल प्यारे भक्तों भगवान विष्णु के सातवें अवतार का नाम यज है, और धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी है शत्रुपा जी। जैसा कि मानस में भी गोसाई बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई दी है, स्वयंभू और मनु शत्रुपा जिनसे भय ही ये सृष्टि अनुपा। इन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के यहाँ पर के गर्भ से आकुति का जन्म हुआ, और इन आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। रुचि प्रजापति और आकुति के गर्भ से भगवान विष्णु ने यज नाम से अवतार लिया। प्यारे भक्तों यज भगवान ने आगे जाकर के धर्म की स्थापना की, और इन्हीं यज भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ संपन्न हुआ। दक्षिणा से यज भगवान को तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए, और वे सभी स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता भी कहलाए। यज भगवान साक्षात नारायण स्वरूप है, अग्नि का स्वरूप है। प्यारे भक्तों हिंदू सनातन वैदिक धर्म में जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कार हैं। इन 16 संस्कारों के बारे में भी आगे आप सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी ये 24 दिवसीय भगवान नारायण के अवतारों की श्रृंखला चल रही है। समय मिला तो आप सबको 16 संस्कारों के बारे में भी अवगत कराएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः यज भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यज भगवान के बारे में हम यहाँ पर बतलाएं तो हमारे 16 संस्कारों में प्यारे बंधुवरों यज संपादित किया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब भी, कुआ पूजन होता है तब भी, नामकरण होता है तब भी, मुंडन संस्कार होता है तब भी। तो 16 संस्कारों में, हालांकि आज के समय में हमारे आसपास केवल 3 ही संस्कार देखने को मिलते हैं। एक जन्म संस्कार जिसे हम नामकरण भी कह देते हैं, और प्यारे बंधुवरों दूसरा विवाह संस्कार, 7 फेरे जब होते हैं, अग्नि वहाँ भी प्रज्वलित होती है, यज होता है, और अंतिम 16वां संस्कार है अंतिम अंत्येष्टि संस्कार। आज के समय में तो इन तीनों में भी बड़ा संक्षेप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सबकी जानकारी हेतु बता दें कि हमारे 16 संस्कारों में यज का प्रावधान है, यज होता है। यज भगवान की 2 पत्नियाँ दक्षिणा और स्वाहा यहाँ पर कही गई हैं। आहुति के रूप में जब हम यज करते हैं तो स्वाहा स्वाहा कह करके हम उन्हें आहुति
रुपये पत्नी अर्पण करते हैं और दक्षिणा उनको हम अपने जीवन की अपनी इच्छा से कोई भी एक बुराई का परित्याग कर उन्हें सच्ची दक्षिणा प्रदान की जाती है। यहाँ दक्षिणा से धन रुपयों का प्रावधान नहीं, यहाँ है अपने जीवन की किसी भी एक बुराई का परित्याग करना, यज भगवान पर संकल्प लेना कि हम अपने जीवन की इस एक बुराई का परित्याग कर रहे हैं। हे यज भगवान, आप हमें इतना बल प्रदान करें कि पुनः ये बुराई हमारे जीवन में लौट करके ना आए, हम इस बुराई का अनुसरण पुनः ना करें, हमें इतनी क्षमता सामर्थ्य प्रदान करें कि हम सब जीवन में अच्छाई की ओर बढ़ें। तो यज भगवान श्रेष्ठ हैं और यज नित्य करना चाहिए। यज के भी कई प्रकार बताए हैं, देव यज, पितृयज, तांत्रिक यज भी यज्ञों की एक श्रेणी में से है जो रात्रि के पहर में होता है। ब्रह्म मुहूर्त में दिन में सब देव यज होते हैं। पितरों के नियमित होने वाले यज को पितृयज कहा जाता है। इतिहास साक्षी है कि दशरथ जी ने भी पुत्र ज्येष्ठ यज कराया था। राजाओं ने भिन्न भिन्न समय पर विश्व विजय के लिए अश्वमेध यज इत्यादि किए, दिग्विजय करने के लिए भी विजय यज्ञ होते थे। अर्थात प्रिय बंधुवरों, यज्ञ भगवान नारायण का सातवें अवतार में भगवान का सुंदर स्वरूप है और यज्ञ भगवान मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। आज कली काल में भी हम आप सबको यज्ञ से मनवांछित प्राप्ति होती है और हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में हम सभी को चाहिए कि हम सभी हर महीने, वैसे तो रोज दैनिक यज्ञ करना चाहिए, लेकिन दैनिक यज्ञ भी आप नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह में, महीने में हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से आत्मशुद्धि, ग्रह शुद्धि, जीवन में चलने वाले उथल पुथल करने वाले उन समस्त नवग्रहों की शुद्धि एवं विचारों की शुद्धि भी यज्ञ से ही संभव है। और जो समय चल रहा है इस समय वैश्विक महामारी का, इसमें तो यज्ञ का विधान हमारे डॉक्टर लोग भी मान चुके हैं। अगर आप यज्ञ करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी वातावरण में, वायुमंडल में विद्यमान होगी और हम सबको जीवन जीने के लिए सच्ची शुद्ध श्वास लेने के लिए वायु प्राप्त होगी। इसलिए यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने का अधिकार सभी को है। अगर आप वैदिक मंत्रों को जानते हैं तो आप स्वयं भी यज्ञ कर सकते हैं। अगर आप वैदिक मंत्र नहीं जानते हैं तो उच्च अधिकारी, वक्ता, प्रवक्ता, ब्राह्मण के द्वारा आप यज्ञ कराना आपको चाहिए, शोभा देता है। तो यज्ञ करने वाले अपने नज़दीकी जितने भी ब्राह्मण भाई हैं उन सब से आप आवेदन निवेदन कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि वैसे तो प्रतिदिन विधान है यज्ञ करने का, लेकिन प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह में, सप्ताह भी नहीं कर पाते तो महीने में, महीने में भी नहीं कर पाते तो हम सब लोगों को 6 महीने में घर में यज्ञ बहुत ही जरूरी है, कराना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की कथा यज्ञ, इससे घर की शुद्धि होती है और यज्ञ ही है जो रंग से राजा बना देता है, जो मानव मात्र को नारायण से मिला देता है। राजा बलि का प्रसंग यहाँ पर मुझे स्मरण आता है। जब देवताओं से युद्ध करके हारने लगे तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें 100 यज्ञ करने के लिए ही आग्रह किया। यज्ञ का प्रभाव देखिए कि देवता यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकते। और तब नारायण भगवान को यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। यज्ञ से भगवान का दर्शन हुआ, देवताओं का रक्षण हुआ और राजा बलि सदा सदा के लिए अमर पद को प्राप्त किए, भगवान के परम भक्त बने। इतना ही नहीं प्यारे भक्तों, मेघनाथ ने भी यज्ञ किया था अपने कुलदेवी के नाम से, उस समय लक्ष्मण से विजय पाने के लिए। अगर वह यज्ञ पूर्ण हो जाता तो मेघनाथ
को पराजित करना संभव नहीं था। लेकिन मानस रहस्य कहता है कि उस समय मंत्रिमंडल की सलाह से समस्त वानरों ने जाकर के मेघनाथ का वो यज्ञ विध्वंस किया, क्योंकि वानर समुदाय को दोष नहीं लगता यज्ञ विध्वंस करने का, क्योंकि वानर तो वानर ठहरे। तब जाकर के मेघनाथ का वध संभव हुआ। एक प्रमाण नहीं, इतिहास में हमारे धर्म ग्रंथों में अनेकों प्रमाण हैं यज्ञ से क्या संभव नहीं हुआ। यज्ञ की ही महिमा थी कि यज्ञ से वर्तासुर शुक्राचार्य जी ने प्रकट किया और अपने माता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवताओं को पराजित किया। आखिर में फिर वज्र का निर्माण हुआ जब वर्तासुर का वध हुआ। तो यज्ञ से हमें मनचाहा वर प्राप्त होता है। यज्ञ भगवान की महिमा अपरंपार है, हमें यज्ञ करना चाहिए और कराना भी चाहिए। भागवत में भी हर सप्ताह यज्ञ होता है, रामकथा में भी हर सप्ताह यज्ञ होता है। तो जब जब जहाँ जहाँ यज्ञ मिले, हमें अपने आसपास यज्ञ में बैठ करके अपने हाथों से 5-7 आहुति देने का सौभाग्य अगर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए, करना चाहिए। इसी के साथ अगले वीडियो में आप सभी भगवान के 8वें अवतार के विषय में जानेंगे और ऋषभदेव जी के विषय में अगले वीडियो में हम सब आप चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ राधे राधे। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुक्ताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।